ये एंडोक्राइन हारमोनस हैं और दी दारमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक्लैंड ये हारमोन्स मुख्त फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं मिसाल के तौर तो पर मेटाबॉलिज्म ग्रोथ डेवलपमेंट टिश्यू फंक्शन सेक्शुअल फंक्शन रिप्रोडक्शन एंड स्लीप फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर पिट्यूटरी ग्लैंड थाइराइड ग्लैंड पीनियल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड ओवरी एंड टेस्टिस तो वॉट इज एन एंडोक्राइन डिसरप्टर एंडोक्राइन हार्मोन तो वो हार्मोन है जो कि एक सिग्नल के नतीजे में बॉडी के अंदर ही जेनरेट होगा और डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जाएगा द डिसरप्टर इज अ मॉलिक्यूल और अ केमिकल दैट इज ए प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडीज एंड इज इंट्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली यानी कि ये बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा किसी भी जरिए से बॉडी में एंटर हो रहा है चाहे डाइट से वॉटर से फूड से वॉटैवर तो और जब ये मॉलिक्यूल जो है हमारे व्हाट वॉट इट डज इज दैट दिस मॉलिक्यूल बेसिकली इंटरफेयर्स विद दी आर एंड्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम से इंटरफेर करता है या तो उसको ये ब्लॉक कर देता है हार्मोन को हार्मोन के एक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है या फिर उसके एक्शन में इंटरफेरेंस शुरू कर देता है और इस वजह से मुख्तफ डिवेलपमेंटल रिप्रोडक्टिव ब्रेन और इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर में बहुत से मॉलिक्यूल शामिल हैं बुनियादी तौर पे ये वो मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की डिग्रेडेशन या उनकी बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं जैसे बिस्विन थैलेट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा नेचुरल और सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो कि आमतौर तौर पर एंड एस्ट्रोजन दीज आर ऑल यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरापी एज वेल अच्छा अब इनका मैकेजम ऑफ एक्शन क्या है वंस आ डिसप्टर गेट्स एंटर इन टू बॉडी ये क्या कर सकता है फर्स्ट थिंग इज द हॉर्मोन बाइंड विद इट्स रिसेप्टर हार्मोन का पहला काम है कि उसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है. तो ये डिसरप्टर मॉलिक्यूल दटेड कम्पीटिंग फॉर द रिसेप्टर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की कोशिश शुरू कर देते हैं औरिजिनल जो नेटिव हार्मोन है उसके साथ कम्पीट करते हैं उसके साथ कम्पीट करने के नतीजे में ये दो या तीन एक्शन हो सकते हैं इनके या तो ये है कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आ रहाने में ये इंटरफेयर करें और जीन एक्सप्रेशन को डी कर सकते हैं उसके अलावा ये डिफरेंट हार्मोन जो हैं ये हार्मोन सिंथेसिस जो डिफरेंट डिस्टर्पट हैं हारमोन सिंथेसिस मेटाबलिज़म और ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन में इंटरफेयर भी कर सकते हैं अच्छा अब आप इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ देर इज अ फिनोल दैट इज नोन एज फोर नॉन लाइल फिनोल एंड दिस इज ए कम्पाउंड विच इज़ नोन एज एंडोक्राइन डिस्टेप्टर ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिग्रेडिड प्रोडक्ट भी है इट कैन इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल एंड इस इट कंपीट्स विद द एस्ट्रोजन रिसेप्टर एस्ट्रोजन एक फीमेल हॉर्मोन है जिसके साथ ये मॉलिक्यूल कम्पीट करता है और कम्पीट करने के बाद उसके एक्शंस में इंटरफेयर करता है अच्छा यू कैन सी दी स्ट्रक्चर ऑफ दि टू मॉलिक्यूल एस्ट्रोजन एंड दी डिस्ट्रप्टर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज मोर लेस कंपेयरेबल एंड दिस मॉलिक्यूल इज परसिस्टेंट यानी कि वाटर में ये मौजूद रहता है एक्यूमुलेट होता है इट इज़ नॉट रेडिली डिग्रेडेबल एंड इट इज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स

ये फिश जो है जी इनकी डेथ हो सकती है अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टीरोडल हारमोन चाहे वो नेचुरल हो या वो आ, जो है सिंथ नेचुरल हो या डिसरप्टर हो इफ़ दे आर सप्लाइड एक्जोजीनियसली यानी कि बॉडी ख़ुद नहीं उनको प्रोड्यूस करी ये एंडोक्राइन हार्मोन बाहर से बॉडी को दिया जा रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा उसका नतीजा ये होगा कि इट विल एक्ट एज ए डिसरप्टर अगर मिसाल के तौर पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन है अगर इसको वाटर में या किसी भी दूसरी कंटेमिनेशन के जरिए ये बॉडी में एक्ट कर रहा है एंटर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी का इंटरनल हार्मोन है उसके साथ वो कम्पीट करेगा एंड इट कैन एक्ट एज ए डिसरप्टर और इट कैन कॉज एक्यूट एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ अच्छा अब हमने इसके लिए अगर बायोसेंसर डिजाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोजन के लिए थो तो द बेस्ट बायो रिसेप्टर एलिमेंट वुड बी सेक्रोमाइसिस सर्विसिया एन सेक्रोमाइसिस इज़ यूज एंड दिस बायो रिसेप्टर एलिमेंट इज़ इमोबलाइज ऑन ए सरफेस इमोबलाइजेशन के बाद मैंने हमने पिछले मॉड्यूल में बेशुमार स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं बायोसेंसर फेब्रिकेशन की उनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी जिसमें इस्तेमाल की जा सकती है एंड देन द्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड कुड बी मोनीटर्ड बाई यूजिंग दी मोबाइल कैमरा In this case you can see the biosensor for the detection of endocrine disruptor in water, and estradiol molecule, although it is the original or the native endocrine hormone, but once it is applied or exogenously, so it is considered as a disruptor and this disruptor molecule could be detected by this biosensor and the result could be seen by using the mobile camera. So the related questions are, what are endocrine hormones? Name three different endocrine glands, and what are the hormone disruptors? Give at least three examples of hormone disruptors. Design a biosensor to detect hormone disruptor in a canal water.